हमारी प्लस टू कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स यहाँ पे जमा हुए हैं जी। आपको पता ही होगा कि हम पिछले 10-15 सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जी। कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 8 साल से कर रहा है, तो कोई 4 साल से कर रहा है या कोई 5 साल से कर रहा है जी। सैलरी जो हमारी होती थी वो 7,000 होती थी और पिछले साल से ही 10,000 है सैलरी हमारी। और पिछले 3 सालों से हम प्लस कंटिन्यूसली स्क्रीनिंग क्वालिफाई करके डिपार्टमेंट में आते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ पे जमा होने का मकसद यह कि हमें हर साल स्क्रीनिंग की जाती है, हर साल हमें गवर्नमेंट हिरास करती है। डायरेक्टर स्कूल ऑफ जो कश्मीर है वो हमें हर साल स्क्रीनिंग, हमारी एबिलिटी को हर साल चेक किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर जमा हुए। दूसरी बात यह कि हमारा गुजारिश करते हैं इस, मतलब आपकी वसादात से हम गुजारिश करते हैं कि हमारा जो SRO है वो जल्दी से जल्दी लाना चाहे, आप उनको लाना चाहे, क्योंकि आगे कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, फिर हमारा कोई काम बनने वाला है। अदरवाइज़ अगर आपने जल्दी नहीं किया तो हम रूट्स पे आएंगे, हम फिर मतलब आज तक हम एज अ एजुकेटेड वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे हम फिर मतलब वो अनडेमोक्रेटिक वे में प्रोटेस्ट करेंगे, हम रोड ब्लॉक्स करेंगे और रोड पर बैठेंगे। हमें ज़्यादा मजबूर मत करो, हमारे सब्र का ज़्यादा इम्तिहान मत ले लो। हमने बहुत कम सैलरी पे काम किया है। आपने SSA वालों को, RTs को और आपने PDD वालों को, आपने PHE वालों को रेगुलराइज किया। अब हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, PhD वाले लोग हैं, अब आप हमारा केस क्यों सॉल्व नहीं करते हो जी? आपकी कुल तादाद कितनी है? हमारी तादाद 1600 है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हमारी तादाद 1600 है। शुक्रिया।